हे वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सन 2023 में मिलने वाली भारतीय बाजार में सभी हाइब्रिड कार की लिस्ट लेके आए हैं। अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी लेना चाहते हैं और शोरूम दोस्त दर शोरूम ना भटकें और आपको एक ही जगह सारी हाइब्रिड गाड़ियों की डिटेल मिल जाए तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड गाड़ी के बताने से पहले कुछ चीज़ें हाइब्रिड गाड़ी के बारे में बताते हैं। हाइब्रिड गाड़ी होता क्या है जिन लोगों को नहीं मालूम, तो हाइब्रिड गाड़ी दोस्तों पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इस्तेमाल करके चलती है, जिस वजह से कस्टमर को काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है जो कि एक बाइक के बराबर भी होता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों नंबर वन ये है दोस्तों एक जापानीज एसयूवी टोयोटा हाइराइडर। टोयोटा हाइराइडर सेगमेंट वाइज एक मिड साइज एसयूवी है जिसमें कुल 5 लोग की बैठने की जगह देखने को मिलती है। इस गाड़ी को पावर किया गया है 1500 सीसी के हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ। जिस गाड़ी का पावर आउटपुट आता है वो 91 bhp का है विद टॉर्क ऑफ 122 Nm टॉर्क। माइलेज वाइज दोस्तों ये गाड़ी देती है 27.97 km का शानदार माइलेज। जो कीमत शुरू होती है इस गाड़ी की वो 12 लाख से 22 लाख रुपए के बीच में आती है। वही बात करूँ इस गाड़ी की जो हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल के लिए 18 लाख से 22 लाख कीमत है। इस गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल का भी ऑप्शन है तो यहाँ पे सस्ते में भी आती है। नंबर दूसरा ये है होंडा सिटी की हाइब्रिड। होंडा सिटी तो सभी जानते हैं लेकिन कंपनी ने भी हाल ही में इसका हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया है। सेगमेंट वाइज एक लग्जरी सेडान है जिसमें कुल 5 लोग की बैठने की जगह देखने को मिलती है। गाड़ी को पावर किया गया है 1500 सीसी के हाइब्रिड इंजन के साथ जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 96 bhp का विद टॉर्क ऑफ 127 Nm टॉर्क। गाड़ी में दोस्तों माइलेज आता है वो 27.13 km का, काफ़ी शानदार माइलेज आता है। जो कीमत शुरू होती है वो 21 लाख रुपए से लेके 23.50 लाख आती है। मतलब कि मैं कह लूँ तो यहाँ पे 21 लाख से 23 लाख रुपीज़ के आसपास में ये गाड़ी आ जाती है हाइब्रिड मॉडल में। नंबर थ्री दोस्तों ये है सुजुकी की ग्रैंड विटारा। सुजुकी की ग्रैंड विटारा दोस्तों सेम टोयोटा हाइराइडर वाला इंजन शेयर करती है। ये भी डिज़ाइन वाइज एक मिड साइज एसयूवी है जिसमें कुल 5 लोग की इंजन बैठने की जगह देखने को मिलती है। जो गाड़ी में पावर आपको देखने को मिलता है वो 1500 सीसी के हाइब्रिड इंजन से आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 91 bhp का विद टॉर्क ऑफ 122 Nm टॉर्क। माइलेज दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 27.97 km का। जो इस गाड़ी की दोस्तों जो कीमत शुरू होती है वो 12 लाख से 23 लाख रुपीस है। वहीं अगर मैं इसकी हाइब्रिड मॉडल की बात करता हूँ तो हाइब्रिड मॉडल की कीमतें शुरू हो रही हैं 20 लाख से 23 लाख रुपीस तक। इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आ जाता है जो कि थोड़ा सस्ते में ही मिल जाएगा। तो ये भी गाड़ी देख सकते हैं। ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर दोनों एक ही गाड़ी है लेकिन अलग अलग डब्बे में है, थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क है। नंबर फोर दोस्तों ये है टोयोटा की कैमरी। अब ये जो सेडान है दोस्तों आप इसे होंडा सिटी, होंडा वेयर वरना या फिर हम बात करते हैं ये सिविक से आप कंपेयर मत करिएगा। ये नेक्स्ट लेवल की सेडान है। ये गाड़ी डिज़ाइन वैसे एक प्रीमियम सेडान में गिनी जाती है जिसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलता है 5 लोग की बैठने की जगह और इस गाड़ी की लंबाई 4800 mm है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी है ये गाड़ी। जो इस गाड़ी में आपको इंजन देखने को मिलता है वो 2500 cc का यहाँ पे हाइब्रिड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 175 bhp का विद टॉर्क ऑफ 221 Nm टॉर्क। यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज काफ़ी अच्छा 23 km का आता है। इतनी पावरफुल इंजन, इतना ज़बरदस्त माइलेज कोई भी कंपनी नहीं देती है इस सेगमेंट पे, ये बात बता देता हूँ। जो कीमत है वो आपको शायद हिला दे, 52 लाख रुपीज़ कीमत है। मतलब फॉर्च्यूनर की टक्कर की ये कीमत रखी गई है और इस गाड़ी के जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो दोस्तों मर्सिडीज और डी BMW को टक्कर देती है इंटरनेशनल मार्केट में। हालांकि इंडिया में भी अवेलेबल टोयोटा कैमरी लेकिन कम बिकती है। नंबर पाँचवा ये है दोस्तों भारतीयों की सबसे पसंदीदा SUV इनोवा हाईक्रॉस। इनोवा हाईक्रॉस को इनोवा ने भी हाल ही में लॉन्च किया टोयोटा मोटर्स ने हाइब्रिड वेरिएंट जिसका नाम है हाईक्रॉस। ये डिज़ाइन में एक लग्जरी MPV है जिसमें 7 to 8 सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। जो गाड़ी में आपको इंजन देखने को मिलता है वो 2000 cc का हाइब्रिड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 183 bhp का विद टॉर्क ऑफ 188 Nm टॉर्क। जो माइलेज दोस्तों वो 23.24 km का है। अच्छा लगा देख के कि दोस्तों इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ी में पावर को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, पावर भी है और माइलेज भी है, इसमें दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। हालांकि जो कीमतें हैं वो बहुत महंगी हैं, 21 लाख से कीमत शुरू होती है और 35 लाख रुपीस में इसकी टॉप मॉडल आ जाती है। जाहिर सी बात है अगर आपको हाइब्रिड चाहिए तो 30 लाख रुपए अपना बजट ऊपर ले जाइए तो आपको हाइब्रिड मिल जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगी पड़ रही है क्योंकि इतने तक अगर कोई जाता है तो फॉर्च्यूनर के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन भाई साहब माइलेज भी तो है और लग्जरी तो भाई नेक्स्ट लेवल बनाया है।
ये है दोस्तों भारत में मिलने वाली सभी हाइब्रिड गाड़ियों का लिस्ट। होप करते हैं आगे आने वाले समय में भारतीय बाजार में और भी ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों की एंट्री होने वाली है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये 5 गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में हैं जिसको आप खरीद सकते हैं। जिनमें से सबसे सस्ती जो मैं आपको गाड़ी बता रहा हूँ वो है दोस्तों टोयोटा हाई राइडर, उसके बाद ग्रैंड विटारा है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप देख के ले सकते हो अपना। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटो अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल ऑटो कंपेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।